ही पुलिस को मिले एक गुमनाम फोन कॉल ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। मिली जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस को एक अज्ञात फोन आया था जिसमें राज्य के 3 बड़े रेलवे स्टेशन और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बंगले को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। इस धमकी के बाद 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के बंगले की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। हालांकि तलाशी के दौरान अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने कहा कि मुंबई पुलिस के मुख्य कंट्रोल रूम को शुक्रवार रात फोन आया है जिसमें फोन करने वाले ने कहा कि बम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, भाईखला, दादर रेलवे स्टेशन और एक्टर अमिताभ बच्चन के जुहू स्थित बंगले पर रखे गए हैं। जी हाँ, उन्होंने आगे कहा कि कॉल मिलने के बाद सरकारी रेलवे स्टेशन, रेलवे सुरक्षा बल, बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड स्थानीय पुलिस कर्मियों के साथ इन स्थानों पर पहुंचे और तलाशी अभियान चलाया, लेकिन इन जगहों पर अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। फिलहाल वहां भारी पुलिस की तैनाती है। जी हां, ये कॉल मुंबई पुलिस को आया कि आपको बता दें कि उनके घर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, ये पुलिस को जैसे ही कॉल आया उन्होंने तुरंत अमिताभ बच्चन के बंगले पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है। वहां पर पुलिस की भारी भीड़ खड़ी है और लोगों ने बम की तलाशी भी ली कि बम कहीं है तो नहीं, लेकिन अभी तक कोई भी संदिग्ध नहीं मिल पाया है। जी हाँ, तो आपको इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से सुरभि की रिपोर्ट।